पब्लिक चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम एक ऐसे उम्मीदवार की बात करते हैं जो जमीनी स्तर पर रह करके काम करता है, और वो उम्मीदवार कोई और नहीं मुमरा शहर का, अमृत नगर इलाके का नफीस अंसारी है, जो इस बार 24 कल्याण लोकसभा चुनाव में अपक्ष उम्मीदवार के रूप में खड़ा है। नफीस अंसारी ने विगत दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को अवगत कराया कि हम चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आपने किसी पार्टी के उम्मीदवार क्यों नहीं, आपने किसी पार्टी का मामला ऐसा चल रहा था कि सब गठबंधन चल रहा है, समाजवादी पार्टी टिकट नहीं दी क्योंकि बीएसपी से उनकी युति है, एमआईएम वंचित आगाड़ी की युति है तो एमआईएम भी टिकट नहीं, एमआईएम का भी। तो मैंने बोला कि भाई ये सारे मामला के अंदर अपक्ष ही लड़ लेते हैं। आपका रुझान किस पार्टी से है वर्तमान में, मौजूदा वक्त में आप चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो जिसे अगर आपको सफलता मिलती है तो आप किसको समर्थन देंगे? समर्थन तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को ही दिया जाएगा, क्योंकि सेना और बीजेपी से पूरी जनता, पूरी आवाम जो है 5 साल में उन्होंने देख लिया कि क्या हालात हुए हैं। तो अगर इंशाल्लाह मुझको मौका मिलता है तो समर्थन की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस पार्टी से कितने दिन से जुड़े हैं? कांग्रेस पार्टी में तो रह चुके हैं आप, उसे चुनाव लड़े हैं। पुरानी पार्टी है, मैंने पहला इलेक्शन जो है 2007 का जो इलेक्शन है मैंने कांग्रेस से ही लड़ा था, और कांग्रेस तो ऐसा है कि मैं, मेरी पॉलिटिकल शुरुआत ही जो है, मेरी खाला कांग्रेस में थे और मैं छोटा बच्चा था जब उस वक्त, उनके साथ मैं जाता था जब नवाब मलिक भी कांग्रेस में थे, तो बचपन से ही कांग्रेस पार्टी से मेरा ताल्लुक रहा है। तो ठीक है, आप कांग्रेस में रहे और चुनाव लड़े और इस वक्त आप अपक्ष में हैं, कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी मिलकर तो इससे क्या कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवार पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आपका एक वर्चस्व है यहाँ पर और आप कांग्रेसी हैं, तो आप कांग्रेसी वोट आपके तरफ आएगा तो एनसीपी के जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा इस इलेक्शन का? सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि कुछ दिन पहले एक पत्रकार भाई, आप में से कोई पत्रकार भाई ने एनसीपी के कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया था, उनके मुंह से जो सवाल निकला था मैं उसको रिपीट करूंगा कि पूरे शहर में ये चर्चा हो रही है कि आपने खासदार का टिकट लेने से पहले वादा लिया है पार्टी से कि मुझे आमदार का टिकट दोगे तो मैं खासदार इलेक्शन लड़ूंगा। इसका मतलब है कि आपने खासदार इलेक्शन में पहले ही हार मानी, आप खासदार इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे हो, आप जो है सेमीफाइनल मैच खेल रहे हो, फाइनल मैच आप 6 महीने के बाद खेलना चाहते हो। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब मकसद ये है कि बाबा जी पार्टी चुनाव हार रहे हैं? मैं नहीं कहता, ये तो खुद उनकी, उनका ही जुमला जो है, उनके मुंह से निकला हुआ जुमला जो शहर में पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं उसके बेस पे बोल रहा हूँ कि जो आदमी ने पहले ही शुरुआत में हार मान ली फिर वो उससे जीतने की उम्मीद तो रख ही नहीं सकते। आपको क्या कितना कॉन्फिडेंस है कि हमको ये शहर से, मुमरा शहर से और मुस्लिमों का कितना मत आपको प्राप्त होगा? ऐसा है कि 3 इलेक्शन लड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी देखा है कि एक वार्ड में मैंने लड़ा तो मुझको कितने वोट मिले, और आज मुमरा कौसा को जो पहली मरतबा, यानी कि अपने घर के बच्चे को जो पूरे मुमरा कौसा को वोट डालने का मौका मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से तो मुमरा कौसा की जनता जो है इस मौके को गवाएगी। और जनता का हमको काफी साथ मिल रहा है, जनता हमारी साथ दे रही है, इसलिए कि हम लोगों का काम करते हैं, लोगों की परेशानियों में, दुख सुख में हम मौजूद रहते हैं। नफीस अंसारी ने ये भी कहा कि हम कोई नए नेता नहीं हैं, हम इससे पहले 2 से 3 बार कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में खड़े हो चुके हैं और काफी सामने वाले को काफी हमने टक किया है कि मैं अपक्ष उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरा हूं और इंशाल्लाह हर हाल में कामयाबी हासिल करूंगा। यहां तक कि नफीस अंसारी खुद अपने स्तर पे रिक्शों पे, गाड़ियों पे चल करके प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और लोगों से वोट देने की अपील करते हैं। और यही नहीं, नफीस अंसारी को यहाँ की जनता चाहती भी है कि वो एक बहुत ही शालीन व्यक्ति है, बहुत ही
अच्छा इंसान है, लोगों की मदद करता है, बिना किसी भेदभाव के हर एक के दुख सुख में शामिल रहता है। सुल्तान रिज़वी, पब्लिक चैनल।